एक और बार जाना पड़ेगा फिर से। अरे यार एक बार तो जाके देखना पड़ेगा ना। देख मैं नहीं जा रहा। अभी क्या हुआ? यार समझा ले इसको, ये मार खा लेगा मुझसे। देखो एक और बार जाएंगे, कुछ मिले या ना मिले उसके बाद सीधा घर। क्या हुआ भाई? भाई अंश कहाँ गया वो? पता नहीं, तू ये देख। भाई जल्दी से ना पुरानी हवेली पे आ जा। हाँ हाँ जा, सारा क्वेश्चन मत कर, तो आ जा बस, आ जा।
पहले कुणाला मामा ने क्या हो रहा है? यार ये अंश का घर नहीं है। हाँ ये उसी का घर है। मुझे लगता है ना ये अंश का ही काम है, क्योंकि मैंने ना उसको पीछे यार एक बार देख रहे फिर। अरे यार भाई उधर से अमन की आवाज आ रही है। भाई देख मेरे को उस दिन क्या मिला था। कहाँ मिला था? उस घर पे। भाई ये तो अंश की डायरी है। दस एक 2013। आज हमारे स्कूल में एक नए बंदे ने एडमिशन लिया, कुणाल चौधरी। उसने आते ही मेरे सारे दोस्तों के साथ भी दोस्ती कर ली। मेरे साथ भी उसने अच्छे से ही बात किया था, पर पता नहीं क्यों मुझे वो उतना पसंद नहीं आया। 25/1/2013 ये कुणाल मेरे सर से ऊपर जा रहा है और उसकी बातें मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लगते, पर पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को बड़ा पसंद है। 11/6/2013 अभी मुझे सच में ऐसे लगने लगा है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं। मैंने उनको पापा के ट्रांसफर के बारे में भी बताया था, उनको ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। 20/6/2013 आज कुणाल ने मुझे एक बहुत ही बुरी बात कही थी, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको मार दिया था, पर मेरे दोस्तों ने उसके बाद भी उसका ही सपोर्ट किया। 29/6/2013 परसों मेरा बर्थडे है, सारे दोस्तों को इनवाइट किया है, कुणाल को भी। सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। उन लोगों के साथ खेलने भी जाऊंगा, अभी इतने दिनों के बाद ये साल थोड़ा अच्छा जा रहा है। भाई अंश तो उसके बर्थडे के दिन। भाई उस दिन रास्ते पे तो हम सभी एक साथ खेल रहे थे, पर एक्सीडेंट में सिर्फ मेरी मौत क्यों हुई? Thank you.
Thank you.